गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों हमारा ये लेसन हमने स्टार्ट कर दिया है बुलबुल। इसकी हमने रीडिंग कर ली है। आज मैं कुछ इसके न्यू वर्ड्स आपको बताने जा रही हूँ। ये न्यू वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। नंबर वन शब्द है बुलबुल। बुलबुल एक चिड़िया का नाम है जिसके बारे में ये लेसन है, जिसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। बुलबुल एक चिड़िया है। दूसरा वर्ड है पहचानने। पहचानना मतलब किसी चीज़ को पहचान लेना। जैसे बहुत सारी चिड़ियाओं में आपको बुलबुल को पहचानने का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप बुलबुल को पहचान सकते हो, कि उसकी पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल होता है, या उसकी पूंछ का सिरा जो है सफ़ेद होता है, या उसका सिर काला होता है और बाकी शरीर भूरा होता है। ये उसको एक पहचानने का तरीका बताया है, निशान बताएं कि क्या क्या चीज़ें देख करके आप बहुत सारी बर्ड्स में बुलबुल को पहचान सकते हो। तो ये होता है पहचानना। अगला वर्ड है बच्चों सरल। सरल मतलब आसान। सरल मतलब आसान, जो मुश्किल ना हो उसको हम आसान कहते हैं। बच्चों तरीका। तरीका मतलब जिस तरीके से हम कोई काम कर सकते हैं, वो हमारे काम करने का तरीका होता है। अगला वर्ड है चिड़िया। सबको पता है आपके हमारे आसपास बहुत सारी चिड़िया होती हैं। बुलबुल के बारे में हमारा ये लेसन है और हमने बुलबुल के बारे में बहुत सारी बातें इस लेसन में पता की हैं। तो बुलबुल एक चिड़िया है। अगला वर्ड है आवाज़। हम सबकी आवाज़ होती है, हम अपनी आवाज़ में बोलते हैं। चीज़ों की अपनी आवाज़ होती है, एनिमल्स की, बर्ड्स की, सबकी अपनी अपनी अलग आवाज़ होती है। अगला वर्ड है बच्चों कलगी। कलगी कुछ बर्ड्स के सिर पर कलगी होती है, जैसे मुर्गे के होती है, मोर के होती है, और बुलबुल में भी सबके सिर पर नहीं होती, कुछ कुछ बुलबुल के सिर पर होती है, जिसको हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो ये कलगी होती है, क्राउन सा होता है सिर के ऊपर, उसको कलगी बोलते हैं। अगला वर्ड है बच्चों सिपाही। सिपाही आपको पता ही है, सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, वर्दी होती है, अपनी ड्रेस पहनते हैं, वो सिपाही होते हैं। नौवां वर्ड है बच्चों अमरूद। अमरूद एक फल है। अमरूद में आप लोग ध्यान करेंगे कि जो रा में ऊ की मात्रा लगी हुई है, रा के पेट में लगती है मात्रा ऊ की, वो बड़े ऊ की है, उसमें एक घुंडी सी भी घूम रही है, तो इस पे ध्यान करेंगे। अमरूद में बड़े ऊ की मात्रा है रा में। अगला वर्ड है घोंसला। बर्ड्स जो हैं वो घोंसले में रहती हैं और वो अपने घोंसले खुद बनाती हैं, और कोई कोई बर्ड तो बहुत ही सुंदर घोंसले बनाती है। इसी तरह बुलबुल का घोंसला भी बहुत प्यारा होता है, सुंदर होता है, जो कि अंदर से एक कटोरे जैसा होता है। ये हमने कल पढ़ा था ये चीज़, तो वो कटोरे जैसा होता है। अगला वर्ड है कटोरा। कटोरा वो है, बड़ी कटोरी को कटोरा कह देते हैं, जो कटोरी थोड़ी सी बड़ी होती है उसको कटोरा कह देते हैं, जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह खाते हैं। बारवा शब्द है बिंदियाँ। बिंदी एक बिंदी होती है और बिंदियाँ बहुत सारी बिंदियाँ, बिंदी आपने देखी है, आपकी मम्मी माथे पे लगाती होगी, बिंदी के ऊपर भी, ये बा के ऊपर जो डॉट एक लगा हुआ है उसको भी बिंदी बोल देते हैं, ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है बिंदियाँ में, तो ये बिंदी होती है। तो बच्चों इन वर्ड्स को आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, इनकी स्पेलिंग याद करेंगे, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा, अभी तो नहीं हो सकता बेटा पॉसिबल ये, लेकिन जब स्कूल खुलेगा तो आप लोगों की डिक्टेशन वगैरह होगी, तो इन वर्ड्स को आप याद कर लेंगे, या टेस्ट में भी हम दे देते हैं, दो तीन स्पेलिंग दे देते हैं, तो बच्चों इन वर्ड्स को आप ज़रूर से याद करेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके, आपका दिन मंगलमय हो।